हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लेडीज़ जैकेट के मुड्ढे, कि कैसे हम लेडीज़ जैकेट के मुड्ढे घटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो ये जैकेट के मुड्ढे घटाने हैं वो 16 इंच के बाद घटाने हैं। आप अपनी लंबाई जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपकी लंबाई है लंबाई आपको रखनी है। कुछ लोग ज़्यादा लंबी जैकेट पहनना पसंद करते हैं और कुछ कम लंबाई रखते हैं, तो मैंने ये थोड़ी जो जैकेट है ये शॉर्ट ही रखी है। तो किस तरह से मैं इसके मुड्ढे घटाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, ये हमें अपनी लंबाई कंप्लीट करने के बाद किस तरह से मुड्ढे घटाने हैं जो हमारी शेप जो है बहुत अच्छी आए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो मुड्ढे हैं हमें सीधी सिलाई से ही स्टार्ट करने होते हैं। तो यहाँ से मैं पांच फंदे घटाऊंगी। ये देखिए, सीधी सिलाई में जब हमारी लंबाई कंप्लीट हो जाए तो हमें एक साथ पांच फंदे घटाने हैं। देखिए, पांच फंदे घटाने के बाद हमें ये सीधा सीधा बुन लेना है, या आपका जो भी अपना डिज़ाइन है आप अपना डिज़ाइन बुन सकते हैं आगे। और ये जो पूरी रो सिलाई है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को घटाना शुरू किया है, जो हमारे मुड्ढे की कटिंग है वो सीधी साइड से हो रही है। देखिए इस तरीके से, यहाँ से हमने सीधी साइड से ये पांच फंदे घटा दिए हैं और जो पूरी रो है हम इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो बना लेंगे जब तक हमारा ये पूरा जो सिलाई है ये कंप्लीट होती है। उल्टे हाथ पे जाते हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। ये देखिए, लास्ट के फंदे हमारे ये सभी फंदे हम लास्ट तक बना लेंगे। सीधी सिलाई बुनते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, अब हम आ गए उल्टी साइड। अब देखिए, उल्टी साइड में हमें जो जिस सिलाई में हमने उधर सीधी में घटाए हैं फंदे, तो इधर भी हम इसी तरीके से ये देखिए, ये जो पांच फंदे हैं ये हमारे उल्टी सिलाई में घटेंगे। देखिए, एक, दो, तीन और चार और पांच। देखिए, पांच फंदे हमने ये उल्टी सिलाई में घटा दिए हैं। देखिए, अभी ये पूरी जो उल्टी रो है ये हम उल्टी बना लेंगे। उल्टी रो पूरी बना लेंगे अपनी, जो भी आपका डिज़ाइन है आप अपने डिज़ाइन के अनुसार। मैंने तो यहाँ कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, सिंपल है मेरा। तो आप अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए अब हमें सीधी सिलाई की तरफ जाना है। तो ये जो मुड्डों का तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है घटाने का। एक बार अच्छे से समझ आने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। और इसको मुड्ढे को घटाने का यही है कि अगर हमारे मुड्ढे अच्छी तरह से घटे हुए हैं तो हम जब फंदे उठाकर बाजू बनाते हैं इसकी तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर हमारे ये कटाई अच्छी नहीं हुई रहती तो फिर हमारे जो वो जैकेट के मुड्ढे हैं वो अच्छे नहीं दिखते। ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे कि फ्रेंड्स, अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पांच फंदे घटाए थे तो अब हम यहाँ पे चार फंदे घटाएंगे। देखिए किस तरीके से ये
शेप बहुत अच्छी आती है। जो बिगनर हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं इस तरह से। अब की बार हमें यहाँ पे 4 फंदे कटाने हैं, पहली बार हमने 5 फंदे कटाए थे। चार फंदे कटा के फिर अपना सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड आ गए हैं। अब इधर से भी हमें इसी तरह से 4 फंदे घटा देने होंगे, जैसे हमने वहाँ स्टार्टिंग में सीधे हाथ में 4 फंदे घटाए, और अब यहाँ पे भी हम 4 फंदे घटा देंगे। देखिए 4 फंदे घटा दिए, और ये हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे सिलाई को। जो अपना डिज़ाइन है आप वही फॉलो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जब हम सीधी सिलाई की साइड जाएंगे तो वहाँ से हमें 3 फंदे, इधर भी 3, तो इसी तरह से हमें 5 4 3 2 1 की कटिंग करते हुए अपने इस मुड्ढे को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम कटाई करते हैं तो हमारे जो मुड्ढे होते हैं बहुत अच्छी इनकी कटिंग आती है, और फिर जब हम इनको मुड्ढों को बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर शेप आती है। और इस तरह से अगर हम मुड्ढे घटाएंगे तो हमारा जो जैकेट हो, चाहे स्वेटर हो, जेंट स्वेटर हो या लेडीज़ कार्डिगन जो भी हो, तो वो बहुत ही उसकी लुक अच्छी रहती है और पहनने में भी बहुत सुंदर शेप बनती है बाजार के स्वेटरों के जैसी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज आपको ये वीडियो, और कैसा लगा मुड्ढे घटाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।